मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम वृंदावन धाम में खड़े हैं, जहां महाराज जी का शरीर पंच तत्व में उन्होंने विलीन किया था। यहाँ पर जो भक्त मिल रहे हैं उनके अनुभवों में मिस्टर महेंद्र प्रताप जी हमको मिले हैं, महेंद्र पाल सिंह जो पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इनके पिताजी आर्य समाजी थे, और आप समझ गए होंगे आर्य समाजी किसी धर्म विशेष से ज्यादा ताल्लुक नहीं, सनातन धर्मी होते हैं, लेकिन आर्य समाजी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। तो मैं उनके पिताजी से महेंद्र जी से पूछ रहा हूँ कि महेंद्र जी नमस्कार, जय बाबा की, जय बाबा। आप ये बताइए कि आपके पिताजी आर्य समाजी थे, है ना? आज हमें आप महाराज जी के आश्रम में मिल रहे हैं, भंडारा चल रहा है। तो पिताजी और पुत्र, क्या पिताजी ही आ गए थे सेवा में? पिताजी सेवा में आए सबसे पहले। तो कैसे आए पिताजी? एक यहाँ राजपुर ग्राम पड़ता है, उनके वो थे किशन सिंह जी थे जी। तो वो उनके मतलब जो उनके भक्त थे जी, बाबा जी के बहुत भक्त थे जी। हमारे पिताजी की और किशन सिंह की बहुत दोस्ती थी जी। तो हमारे पिताजी वो जानते थे कि ये मतलब आर्य समाजी हैं और मंदिरों में और बाबाओं के दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने वो हट करके उन्होंने कहा चला एक महाराज जी से मिलवाऊं तुम्हें जी। तो वो उनके साथ चले आए, और जैसे ही महाराज जी का सानिध्य हुआ, आमनासाना हुआ, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ पिताजी में जो पूजा से और उससे वो करते थे, एकदम उन्हीं के होके रह गए। इतना प्रभाव हुआ उन्हीं के होके रह गए, उनके भक्त एक मुलाकात में उनके होके एक मुलाकात एक नजर में उन्हीं के ऐसा मतलब प्रभाव पड़ा कि उन्हीं के होके रह गए पूरे जीवन भर, जब तक रहे जब तक उन्हीं के कैंची धाम भी गए और यहाँ मतलब जो आके बाबा जी के। और वो मैं उस समय 18-20 साल का था। तो आप भी 18-20 साल के थे, तो आपके ऊपर हाँ, भी आर्य समाजी पहले होगा। हाँ, आप परिवार था, हमारी माताजी धार्मिक परिवार प्रवृत्ति की थी जी, जी। लेकिन हम भी ऐसे ही थे, कभी भी मतलब जो मूर्ति पूजा में और दर्शन करने में विश्वास नहीं रखते थे। अच्छा, तो फिर आप चलो पिताजी चले गए आर्य समाज से महाराज जी की शरण में, तो फिर आपका आगमन कैसे हुआ? पिताजी अपने साथ लाते थे और बाबा जी के मतलब जो बाबा जी के दर्शन करवाते थे, नीचे बैठ जाते थे, बाबा जी प्रसाद देते थे। बाबा जी का ऐसा प्रभाव हुआ, हमारी माँ और हम और हमारे पिताजी सब मुसीबत में उन्हीं का नाम लेने लगे, और ऐसा मतलब से हुआ कि जो फिर कभी टूट नहीं सका। क्या हुआ था आपके साथ जब बीमार हुए, क्या हुआ, कैसे महाराज जी की कृपा मिली आपको? अब जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर होके आया हूँ, पिताजी भी गुजर गए जी, और सब अब करीब 5 साल मुझे रिटायरमेंट हुए जी। तो मैं इतना बुरी तरह से बीमार हुआ रिटायरमेंट के बाद कि मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब मतलब जी बचने की कोई आशा नहीं है जी। बाबा की महाराज जी की तस्वीर तो हमारे यहाँ पहले से थी, उस पर फूल माला चढ़ी थी जी, उस पर मतलब माला पड़ी थी, तस्वीर हम पहले से रखे थे कम से कम 300 साल से जी। तो अचानक ही मतलब जी है जब मतलब सबने मना कर दिया और सब दिल्ली लेने चले गए, दिल्ली के लिए कहा दिल्ली ले चलो इनको, तो अचानक ही मतलब किसी ने टेलीफोन से ये बताया कि तुम आगरा चले जाओ फलाने डॉक्टर के पास। किसका टेलीफोन था वो? अब वो एक पड़ोस का था। अच्छा। एक पड़ोस का ही आदमी था, उन्होंने बताया कि तुम मतलब जो आगरा चले जाओ। किसी डॉक्टर का पता दिया? डॉक्टर का पता दिया, डॉक्टर तले जाए हॉस्पिटल में, उसमें मतलब उसका परिचय दिया कि वहाँ पर जाके तुम इलाज कराओ, दिल्ली जाके परेशान हो जाओगे। अच्छा। उस दिन से मैं उनका इलाज करा रहा हूँ, और मुझे मतलब बचने की जहाँ आशा नहीं थी, अब मैं करीब करीब 50% मुझे रिलीफ है, और मैं बिल्कुल एकदम पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता हूँ। और मेरे 5 साल से डायबिटीज थी। अच्छा। डायबिटीज थी जो मैं कभी सोच ही नहीं, और दवा भी खाता था जी। और अब मतलब जो है जब उस डॉक्टर ने मेरा डायबिटीज भी चेक की तो देखा कि डायबिटीज नहीं है, मानी कि तुम गोली बंद दवाई बंद कर दो। डायबिटीज भी बिल्कुल 100% 8 महीने से कई बार करा चुका हूँ। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ने जो दवा की वो उससे आप सही हुए हैं या महाराज जी की कृपा है, दोनों में से क्या लगता है आपको? मेरी 100% आस्था है कि ये सब चमत्कार बाबा जी का है, डॉक्टर तो माध्यम है, मैं डॉक्टर को मतलब कुछ दूसरा मतलब को देता हूँ। सबसे पहला स्थान मेरे जो मन में हृदय में बसा है वो महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर इतनी हो गई है कि मैं
अब मतलब मैंने सारे मतलब जितने शौक थे गाने सुनने के वो सब छोड़ दिए, विनय चालीसा और बाबा जी के जितने भी मतलब जो भजन है विनय चालीसा और आरती और जितने भी हैं सब मतलब जो निकाल के और सुबह शाम हनुमान बजरंगबली का और उनका नाम लेता हूँ। और मैं पूरा धार्मिक हो गया हूँ, जबकि मैं लोग मुझसे कहते थे तुम तो राम को भी नहीं मानते, तो मेरे जो घर वाले मुझसे नाराज रहते थे भाई ये कैसा आदमी है, पुलिस में रह के पता नहीं क्या हो गया। अब मुझे दिन रात भगवान राम और गुरु महाराज ही दिखते हैं और उसके अलावा दुनिया में मुझे कुछ नहीं दिखता, मेरा मन शांत रहता है। मैं जी मैं एक बात नितांत पुलिस डिपार्टमेंट की बात है इसलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट वाली बात पूछूंगा। पुलिस में जब रहे होंगे तो आज का जो भ्रष्टाचार की जो काया छाया चल रही है वो भी आपके प्रति भी पड़ी होगी, आप पर भी वो काली छाया पड़ी होगी, तो वो चीजें आपको जब याद आती हैं तो कैसे आप उनसे अपने आप को विमुक्त करते हैं? हाँ ऐसा है, चूंकि हमारे पिताजी हमारे संस्कार थे, अच्छा हम गांव में हम जमींदार थे, गांव में अच्छा मतलब जो है जमीन छोड़ गए थे पिताजी, तो मैंने पुलिस में रह के भी मैं स्टेशन ऑफिसर भी रहा कई थानों पे, पुलिस में रह के भी रहते भी मैं संस्कार चूंकि बाबा के महाराज जी के संपर्क में आ गए थे, मैंने इतना मतलब जो है कोई ऐसा काम नहीं किया पुलिस में रह के कि जिससे मतलब मेरी आत्मा में भारी पड़े। बहन जी बहुत ही मैंने चुभता हुआ सवाल पूछा, नहीं बिल्कुल सत्य आपने पूछा। बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल तो निश्चित रूप से आप पर महाराज जी की कृपा मतलब है। कृपा महाराज जी ने कोई ऐसा काम मतलब नहीं होने दिया जिससे मेरे मन का बोझ हल्का हो, न मुझे कभी दंड मिला न मतलब जो कभी कोई मुझे आज तक मेरे मन में अशांति है, तो मैंने अपनी 30 साल की नौकरी बिल्कुल अपना मतलब जे बहुत अच्छी तरह कर ली, बहुत अच्छी तरह कर ली और किसी को मतलब जे दुख नहीं पहुंचाया अपनी तरफ। चलिए मैन जी आपने अपना अनुभव सुनाया और दस्तक मीडिया से आपने बातचीत करने के लिए कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जय बाबा की। जय बाबा की। मित्रों आपने महन जी की बात सुनी और नास्तिक से आस्तिक बने पीढ़ी दर पीढ़ी, इन्होंने महाराज जी के भी दर्शन किए हैं और इनके पिता उनके अनन्य भक्त बने, इनके आपने अनुभव भी सुने और एक विशेष जो मैंने बहुत चुभता हुआ सवाल पूछा इनसे जो कि क्योंकि पुलिस वालों की बात आप सब जानते हैं, तो आपने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी सर्विस की है और ये भी महाराज जी की कृपा है। तो मित्रों आप सब में मैं मानता हूँ कि ईमानदारी का जो पुट है वो और ज़्यादा बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।